गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ठोसों में दोष या अपूर्णता। तो ठोसों में दोष आप लोग देखे थे कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कोणों को अपने निश्चित स्थान छोड़ने के कारण या अशुद्धि को मिलाने के कारण या अवयवी कोणों के अनियमित व्यवस्था के कारण हम लोग का क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, दोष दो प्रकार के होता है। पहला बताए बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। यदि क्रिस्टल जालक के केंद्र में जो दोष पाया जाएगा उसको बिंदु दोष बोलते हैं, यदि क्रिस्टल जालक के पंक्ति में पाया जाएगा तो उसको रेखीय दोष बोलते हैं। क्लियर है? बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया, फिर से बता दें, बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया। एक था अस्टाइकोमेट्री दोष और एक क्या था, नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष। ठीक है, अस्टाइकोमेट्री दोष का हिंदी होता है रसमीकरण मिति, और नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष का हिंदी होता है असमीकरण मिति। ठीक है, तो हिंदी से मतलब नहीं, इंग्लिश से जास्ती यूज होता है, लेकिन हिंदी बता दिए है। तो अस्टाइकोमेट्री दोष किसे कहते हैं, वह दोष जिसका रसमीकरण मान में परिवर्तन न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन न हो उसको रसमीकरण मिति दोष कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों के संख्याओं का अनुपात एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, वह दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अस्टाइकोमेट्री दोष। वह दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है उसे नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष कहते हैं। यह दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। क्लियर है? एक बार परिभाषा यहां लिखे हैं कि जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की अरसमीकरण मितीय में परिवर्तन हो उसे अरसमीकरण मितीय कहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बेटर परिभाषा आप लोग यही लिखिएगा, है ना, यही आपका परिभाषा अच्छा से डबल करेगा, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जास्ता हमें लिखेंगे। ठीक है, और उसमें भी लिख सकते थे कि वह दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायनों के संख्याओं का अनुपात एक पूर्ण संख्या होती है, उसमें होता है इसमें नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अस्टाइकोमेट्री दोष, और इसको बोलेंगे नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष। ठीक है, तो फिर पीछे हम चलते हैं। तो अस्टाइकोमेट्री दोष जो होता है चार प्रकार का होता है। एक होता है रिक्तिका दोष, जिसको रिक्ति दोष भी बोलते हैं, रिक्तिका दोष। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक से यदि कोई अवयवीकरण गायब हो जाता है तो जो उस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष के नाम से बता सकते हैं, जानते हैं। रिक्तिका दोष का घनत्व देखे थे, घटता है ना। उसके बाद पढ़े थे अंतकाशी दोष, तो वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से कुछ अवयवीकरण अंतकाशी में चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरकाशी दोष कहते हैं। और अंतरकाशी दोष का मतलब ये समझिएगा कि जैसे आप लोग डायग्राम बनाए थे कि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक क्रिस्टल जालक है, उसमें 10 हम लोग का अवयवी कण विद्यमान है, और उसमें से बाहर से 2 कण और उसमें आ गया तो क्या होगा बाबू, तो उसी को हम बोलते हैं अंतरकाशी दोष बोलते हैं। कौन दोष बोलते हैं, अंतरकाशी दोष। ठीक है, और इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि रिक्तिका दोष और जो अंतरकाशी दोष होता है दोनों अनायनिक होता है, मतलब इसमें आयन होता नहीं। क्लियर है? आगे हम बात किए थे शॉर्ट की दोष। कौन दोष, तो वह दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में गायब हो जाते हैं तो उस प्रकार के दोष को हम लोग कौन दोष बोलते हैं, रिक्ति दोष। रिक्ति दोष की एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CaCl, AgBr। याद रखिएगा कि शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल कौन कौन आता है, तो NaCl, KCl, CaCl और AgBr। और फ्रेंकल दोष, वह दोष जिसमें धनायनों और ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब नहीं होते हैं बल्कि उसमें धनायन क्रिस्टल जालक में कहा था फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है इसलिए। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, AgCl, AgI, AgBr। एक बात नोट करिएगा, पूछे क्वेश्चन कि वह कौन ऐसा ठोस है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाया जाता है, तो AgBr। या वह कौन वैसा यौगिक है जो शॉर्टी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों में आता है, तो कौन होता है, AgBr। क्लियर है, समझ गए होंगे, आगे देखिएगा। फिर बताए थे कि शॉर्टी दोष फ्रेंकल दोष में अंतर लिखवाए थे, पहला अंतर दिए होंगे, आगे पीछे बोल सकते हैं कि शॉर्टी दोष में धनायन ऋणायन समान मात्रा में गायब होते हैं,
फ्रैंकल में क्या अंतर था कि इसमें धनायन विनायन गायब नहीं होते हैं बल्कि धनायन इसके क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं। ओके, एक और बात, इसका घनत्व घटता है और इसका घनत्व क्या है, बदलता नहीं। अब एक और बात समझने वाला है कि सर आप वहां बताए थे कि अंतर्काशीय दोष का घनत्व बढ़ता है, यहां भी तो अंतर्काशीय दोष है, लेकिन नहीं बाबू वहां कोई बाहर से आया था, लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि बाहर से नहीं आता है, वही वाला जो यहां पर मौजूद रहेगा वही कहीं दूसरा स्थान, उसी रूम में दूसरा स्थान पर उसी क्रिस्टल जालक में अपने स्थान को परिवर्तन कर देगा। यही होता है कि इसका घनत्व तो बदलता नहीं, न घटता है न बढ़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि शॉर्टकी दोष को रिक्तिका दोष बोलते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि बाहर निकल जाता है, और फ्रैंकल दोष को अंतर्काशीय दोष बोलते हैं क्योंकि दोनों के बीच में रह जाते हैं। ओके, शॉर्टकी दोष का उदाहरण जो होता है CSCL, NSCL, KCL, AGBR, फ्रैंकल दोष का जो उदाहरण होता है AGCL, AGI, AGBR, क्लियर है। एक और बात याद रखिएगा कि तापमान बढ़ाने से धनायन ऋणायन जो होता है क्या होगा, शॉर्टकी दोष में आसानी से पार कर जाएगा, निकल जाएगा ना बाबू, इसलिए बोलते हैं कि तापमान वृद्धि के साथ शॉर्टकी दोष में वृद्धि होता है, क्योंकि फ्रैंकल दोष में तापमान बढ़ाते हैं तो निकलता ही नहीं है बल्कि फंस जाता है, इसलिए ये बोलिएगा कि इसका ताप बढ़ाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग का दोष है अस्टोइकोमेट्री दोष कितने प्रकार के होता है, चार प्रकार के होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में नॉन अस्टोइकोमेट्री दोष, समझ गए, तो वह दोष जिसमें धनायनों एवं ऋणायनों के संख्याओं का अनुपात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है उसे नॉन अस्टोइकोमेट्री दोष कहते हैं। यह दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला अनुमान बात कि जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात पूर्ण संख्या नहीं, जैसे हम नीचे बताएंगे ध्यान रखिएगा, धातु अधिक दोष, तो वह दोष नामे से धातु अधिक, वह दोष जिसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से अधिक होती है धातु अधिक दोष कहलाता है। क्लियर, धातु न्यूनता दोष, तो वह दोष जिसमें ऋणायनों की संख्या धनायनों से अधिक होती है उसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्लियर है, अब देखिएगा इस डायग्राम को समझना है तभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास NaCl का कोई क्रिस्टल है, एक इसका क्रिस्टल है NaCl का, पहले इसका कलर सफेद है, अब इसमें कहा गया है कि सोडियम का वाष्प इसके परत पर सोडियम के इसके नजदीक में सोडियम के वाष्प को प्रवाहित किया गया है, तो जब सोडियम के वाष्प को प्रवाहित करेंगे तो आप लोग देखते हैं कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो सोडियम में जब वाष्प प्रवाहित करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो Na प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है, Na प्लस वन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से देखिए यहां पर एगो प्लस आया है इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का करेंगे, लेकिन अगर दो गो होता तो दो गो लेते हैं। क्लियर है, अब बात रहा है Na का ही क्यों लिए हैं, जो यहाँ पर क्रिस्टल लेंगे उसी को लेंगे। ठीक है, जब NaCl का वाष्प, Na का वाष्प, सोडियम का वाष्प प्रवाहित किए हैं तो वाष्प प्रवाहित करने के बाद सोडियम का जो परिवर्तन होगा Na प्लस प्लस का होगा वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अच्छा समझना है। अब देखिए अब क्या किया गया है कि जैसे ही सोडियम के वाष्प प्रवाहित किया जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कहा जाए कन्वर्ट हो जाएगा, अब ए अपने तरफ बोलेगा, ए आपको ऑप्शन देगा, ए आप ए क्या है प्लस है ना बाबू, तब प्लस किसके साथ रिश्ता जुड़ेगा, माइनस के साथ है, प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ है, तो सोडियम क्या करेगा इसको आक्रमण बोलेगा कि नहीं अब इसके स्थान को छोड़कर हमारे पास आइए, क्योंकि प्लस माइनस के साथ प्यार होता है, लव होता है, तो प्लस माइनस के साथ जब प्यार होगा तो क्या होगा, प्लस जो होगा माइनस को अपने तरफ का करेगा, खींच लेगा, जब माइनस को खींचेगा तो यहां से हमारा क्या होगा, सीएल गायब हो जाएगा, तो सीएल गायब होकर कहां चला जाएगा, Na प्लस सीएल माइनस, और जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो यही से आपको समझना है कि जब ए आ गया तो थोड़ा सा कंडीशन लिखिएगा, समझिए बाबू कि इसमें सोडियम इसमें कौन गए, आठ गो Na प्लस था, और सीएल कौन था, आठ गो था, आठ अनुपात आठ बराबर एक अनुपात एक हो जाएगा ना बाबू। आगे देखिएगा इसका जब करेंगे तो इसमें क्या क्या है, सोडियम आठ गो है लेकिन क्लोरीन कौन गो है, सात गो है ना बाबू, इसके अंदर कौन गो है, सात गो, तो क्या ये बताइए कि क्या इसका आठ अनुपात सात जो है क्या बराबर है,
नहीं लाया बराबर, तू ही ध्यान रखिएगा कि वह दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, उस दोष को हम लोग कौन दोष बोलते हैं, नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष का, समझ गए होंगे कि नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष किसे कहते हैं। एग्जांपल समझ गए होंगे कि इसका एक अनुपात एक आया, इसका आठ अनुपात सात आया, दोनों बराबर आया नहीं ना। आप पिछले वाले अस्टाइकोमेट्री दोष में क्या किए थे कि दोष से पहले और दोष के बाद, दोष से पहले दोष के बाद दोनों ही कंडीशन में धनायनों ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात बराबर हो, क्लियर। लेकिन इसमें बराबर है बाबू नहीं ना है, तो इसी दोष को तो हम बोलते हैं नॉन अस्टाइकोमेट्रिक दोष। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, एक NaCl का एक क्रिस्टल है जो सफेद कलर का है, जब Na सोडियम के वाष्प को इसमें प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बदल जाता है Na प्लस वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा कि सोडियम आक्रमण करेगा, है ना, आक्रमण करेगा किसके साथ, क्लोरीन पर, क्यों क्लोरीन पर ही करेगा, सोडियम पर क्यों नहीं, तो सोडियम खुद सोडियम पर नहीं करेगा, प्लस प्लस के बीच हमारा अभी पढ़े फिज़िक्स में कि प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है, है ना, इसलिए वाला नहीं, ये माइनस के साथ करेगा, तो सीएल को अपनी तरफ ले लेगा, जब सीएल को ले लेगा तो यहाँ पर हमारा खाली स्थान बच जाएगा, बच जाएगा ना बाबू, जब खाली स्थान बचेगा तो ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा आ जाएगा, जो इस डायग्राम में आप लोग को बना है, है ना। तो देखिएगा जो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है इसको हम F केंद्र बोलते हैं, कौन केंद्र बोलते हैं, F केंद्र, F केंद्र का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है हमें दो बात पर निर्भर करता है, विद्युत धारा और क्या होता है रंग। ठीक है, देखिएगा अब F केंद्र किससे कहते आता है कि F केंद्र क्या है, तो क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा बनने रिक्ति को F केंद्र कहते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हम लोग का रिक्ति उत्पन्न होता है उस रिक्ति को हम लोग एक केंद्र के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो एक केंद्र का परिभाषा जानेंगे कि एक केंद्र किसे कहते हैं, नहीं बोलिएगा, क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन द्वारा बनने रिक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक केंद्र के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तब आप लोग समझ गए होंगे, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा धातु अधिक किसे कहते हैं। अब बताइए बाबू कि जो यहाँ पर दोनों का दोष उत्पन्न हुआ है तो आप ही बताइए कि इसमें धनायन को गो है, आठ गो है, ऋणायन को गो है सात गो है, धनायन को गो है आठ गो है, ऋणायन को गो है सात गो, धाम का परिभाषा क्या लिखा है कि वह दोष जिसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से क्या होती है अधिक होती है, धातु अधिक दोष कहलाता है, क्लियर है। धातु न्यूनता दोष वह दोष जिसमें ऋणायनों की संख्या धनायनों से अधिक होती है, इस दोष में उल्टा होता है कि इसमें ऋणायन ज्यादा, अब इक्वल डायग्राम बनाकर दिखा सकते थे ऋणायन को गैप कर, लेकिन वो डायग्राम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग खुद समझ गए होंगे। ठीक है, तो वह दोष जिसमें ऋणायनों की संख्या धनायनों की संख्या से क्या होती है अधिक होती है, तो उस दोष को हम लोग धातु निम्नता दोष के नाम से क्या करके जानते हैं। तो ये जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल पूरा किसका है नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष का, और उस एग्जाम्पल में ये हम लोग का हो गया धातु अधिक दोष का। क्यों धातु अधिक दोष का बात की है, क्योंकि इसमें सोडियम धनायन है, इसमें धनायन आठ हो गए हैं, इसमें ऋणायन को सात हो, इसमें ज्यादा कौन है, धनायन ज्यादा है कि ऋणायन ज्यादा है, धनायन न बाबू, इसीलिए ये जो हम लोग एग्जाम्पल होगा धातु अधिक दोष का, अब पूरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा नॉन अस्टाइकोमेट्रिक दोष का। आई होप समझ गए होंगे कि दोष क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें पूरा दोष को नहीं याद रखना है, आप लोग को VBI जो बता रहे हैं आप लोग VBI में आप लोग पढ़िएगा, VBI में आप लोग तीन को ध्यान दीजिएगा, पहला शॉर्ट की दोष को तो एकदम ध्यान देना, शॉर्ट की दोष ये VBI है, शॉर्ट की दोष, उसके बाद है फ्रेंकेल दोष, और इसके बाद आप लोग का आएगा, इसके बाद हम लोग का आएगा रिक्तिका दोष और एक अंतरकाश, यही चारों पढ़ लीजिए लोग, ये चारों आपको एग्जाम में आपको आता है, अंतरकाशी लिख लीजिएगा अच्छा से, अंतरकाशी। ठीक है, तो ये चारों आपका बहुत ही, लेकिन इसमें VBA ये चारों है, चारों को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ठोसों में दोष कैसे होता है और कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो फिर से बार रिपीट अगेन कर रहे हैं, दोष दो प्रकार के होते हैं, पहला बिंदु दोष, फिर रेखीय दोष। बिंदु दोष दो प्रकार के होता है, अस्टाइकोमेट्री दोष और नॉन अस्टाइकोमेट्री दोष। अस्टाइकोमेट्री दोष चार प्रकार के होते हैं,
स्वार्की दोष, फ्रेंकल दोष, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, अनन अष्टकोमेटिव दोष किसे कहते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, धातु अधिक दोष और धातु निंदा दोष। क्लियर है? चलिए ये हम लोग का दोष पढ़े, ठीक है, और दूर लेक्चर में ये हम लोग का कनिष्ठी का अवश्य समाप्त हो जाएगा। ओके चलिए, अब हम लोग आज पढ़ेंगे इसी वीडियो में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पढ़ेंगे हम लोग वैद विद्युतीय गुण के आधार पर, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, विद्युतीय गुण के आधार पर, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, तो विद्युतीय गुण के आधार पर हम लोग ठोसों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, विद्युतीय गुण के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। डैश लेकर लिखा जाएगा कि हम लोग का हेडिंग है, चलिए तो लिखेंगे विद्युतीय गुण के आधार पर, विद्युतीय गुण के आधार पर, गुण के आधार पर ठोस को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया बाबू, तीन वर्गों में। क्लियर है? विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पहला है चालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है अर्चालक, ठीक है। तो बोलेगा कि चालक किसे कहते हैं, तो वे ठोस जिनसे विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, जिन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वे ठोस जिनसे विद्युत धारा या विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालक, या वैसे पदार्थ जिनकी चालकता, या वैसे ठोस जिनकी चालकता 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, चालक कहलाता है, ठीक है। आपका परिभाषा दो टाइप का है, पूछेगा कि चालकता के आधार पर कुचालक, सुचालक और कुचालक, सुचालक और चालक को परिभाषित करें, इसका नाम दूसरा है सुचालक, ठीक है। चलिए, तो वे ठोस जिनसे विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है उसको हम लोग चालक कहते हैं, या वैसे ठोस जिनकी विद्युत चालकता 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा विद्युत का चालक सिल्वर होता है, उसका कॉपर होता है, उसके बाद का एल्युमिनियम होता है, ठीक है। सबसे अच्छा चालक कौन है, सिल्वर है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। कुचालक वे ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, और इनकी चालकता 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ओके, एग्जाम्पल इसका है प्लास्टिक और क्या है, रबर। एक बार बात समझिएगा कि चालकता जो आप लोग का फिजिक्स में मिलेगा हम वहीं पर बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा कि चालकता एक क्या होता है, मापने वाला इकाई ही, कोई पदार्थ में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है ये मात्रक है, किसी पदार्थ में धारा कितना प्रवाहित होता है उनको मापने वाले क्या है, इकाई। तो सबसे धारा जो प्रवाहित होता है वो चालक में होता है, क्योंकि इसकी 10^4 से 10^-7 होता है, मिस्टेक हो गया, 10^7 होता है, ओके। और कुचालक में माइनस में थे तो हिमे नहीं करेगा, है ना। और चालक वे ठोस जो चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है, वैसे ठोस होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्चालक के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो अर्चालक किसे कहते हैं, तो वे ठोस जो चालक है कुचालक दोनों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं।
चलकता 10 के पार माने 6 से 10 के पार माने 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसका एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। तो देखिए अब सबसे हम लोग को इंपॉर्टेंट इसमें वीवीआई और चालक है, इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जास्ती। तो देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा आता है कि विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया। तो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला चालक, वे ठोस जिनसे विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है चालक कहलाता है। इनकी चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर प्लस 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल सिल्वर, तांबा और एल्युमिनियम। कुछ चालक वे ठोस है जिनसे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इनकी चालकता 10 के पावर माइनस 20 से 10 के पावर माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसका एग्जांपल प्लास्टिक और रबर है। और चालक वे ठोस जो चालक के कुछ चालक दोनों की तरह क्या करते हैं व्यवहार करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं। इसकी चालकता 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसका मोस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, 0 केल्विन ताप पर, ओके मत पढ़िएगा, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कोई पूछेगा कि ठीक है भाई, हम लोग तो जानते हैं कि अर्धचालक जो कुचालक अर्धचालक दोनों की तरह व्यवहार, लेकिन कब कुचालक की तरह व्यवहार करेगा? तो कब, जब उसका ताप 0 केल्विन होता, उसको परम ताप बोलते हैं। कौन ताप बोलते हैं? परम ताप। यानी परम ताप पर, तो परम ताप पर कोई अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परम ताप किसको बोलते हैं? जिसका ताप 0 केल्विन हो। क्लियर है? अच्छा, एक और बताया जाता है कि तब एक चालक की तरह व्यवहार कब करेगा? तो चालक की तरह व्यवहार करने के लिए इसका दो कंडीशन होना चाहिए। पहला है कि ताप ऊंच होना चाहिए, ताप ऊंच, और दूसरा अशुद्धियां, अशुद्धियां मिलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये समझना है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो वे ठोस जो चालक है कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार कब करता है, तो परम ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। परम ताप किसको बोलते हैं? 273 केल्विन को, ओके। अच्छा, एक और बात आ सकते, ठीक है, 0 केल्विन पर तो क्या होगा, वो करता है, लेकिन चालक की तरह व्यवहार करे तो आम बात है, जब 0 केल्विन का ताप बढ़ाएंगे तब होगा, चालक की तरह व्यवहार करेगा, नहीं तो उसमें अशुद्धियां मिला देंगे। कोई उसमें अगर अशुद्धियां मिला देंगे तो क्या होगा, चालक और चालक चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्ट आता है कि चालक कुचालक और चालक का, ठीक है। ये आपको समझने के लिए बताया है, बस आपको परिभाषा में ही डाल देना तीनों का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अर्धचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं और चालक किसे कहते हैं। अब इसको अच्छा से समझने के लिए कि काहे चालक में धारा का प्रवाह होता है, काहे कुचालक में नहीं होता है, और काहे अर्धचालक में थोड़ा रूप में होता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, क्यों, इसको समझने के लिए हम ब्रैंड सिद्धांत को पढ़ेंगे। कौन सिद्धांत को? बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर समझ जाइएगा कि कैसे चालक में धारा का प्रवाह होगा, कैसे कुचालक में नहीं होगा, कैसे अर्धचालक में होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए, तो ब्रैंड सिद्धांत, तो ब्रैंड सिद्धांत हम लोग पढ़े होंगे रासायनिक चैप्टर केमिस्ट्री में जो था, उसमें रासायनिक बंध पढ़े होंगे, उसमें देखे थे कि बॉन्ड कैसा बनता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ ध्यान रखिएगा कि परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा पास पास होती है वह बैंड बना लेते हैं। और याद रखिएगा कि सबसे पहले कोई भी परमाणु होगा वो अणु में बदलता है, और अणु में जब बदलता है तो आपस में पास पास, उसके पास पास ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है, बैंड बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लो पॉकेट, पॉकेट समझते हैं, चाहे आप लोग बॉडल बंडल बोलते, तो बंडल कब बनता है, जब बहुत पहले तो हम बुक बनाएंगे, तो बुक को हम क्या करें, बुक के पेजों को क्या करें, तो पेज जो हमारा परमाणिक हो गया, और जब पेज को मिलाने के बाद एक हम लोग का बुक बना, हम लोग का आणविक बन गया, और जब बहुत सारे बुक कम से कम जा देंगे तो हमारा एक बंडल बन जाएगा, किताब का बंडल हो जाएगा, बोलते हैं ना बाबू, ठीक उसी प्रकार समझिए। एक बार फिर से एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि पहले हम परमाणिक जो होती है समझ बुक, तो बुक में छोटे छोटे हमारा का पेज बना हुआ है, तो छोटे छोटे पेज बनकर एक हमारा बुक बना, ठीक है। तो पेज को हम परमाणु बोल रहे हैं, बुक को हम क्या बोल रहे हैं, अणु बोल आणु बोल रहे हैं। और जब बहुत सारे बुक मिलाएंगे, तो इसे मिलाएंगे तो एक बुक का तो हम बंडल नहीं ना बोलेंगे, 10 बुक को अगर मिलाकर बांधेंगे तो बंडल बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग का क्या होता है, बैंड कैसे बनता है, तो परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा पास पास होती है वह बैंड बना लेते हैं,
क्लियर है। परमाणु कक्षक, आणविक कक्षक, बैंड, मतलब बैंड कैसे बनता है लिखती है, पहले परमाणु कक्षक लेंगे, उसके बाद आणविक कक्षक लेंगे, और उसके बाद हम लोग का बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि बैंड किसे कहते हैं, तो परमाणु परमाणु कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा पास पास होती है वह बैंड बना लेते हैं। और बैंड बनाने का मेन कारण यही है कि परमाणु कक्षक पहले आणविक कक्षक बदलेगा, और आणविक कक्षक किसमें बैंड बना, क्यों बैंड बना लेता है आणविक कक्षक, क्योंकि उनकी ऊर्जा पास पास होने के चलते, ठीक है। बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक चालन बैंड और एक संयोजन बैंड। एक चालन बैंड और एक क्या होता है, संयोजन बैंड, ठीक है। एक चालन बैंड और एक क्या होता है, संयोजन बैंड होता है, ठीक है। चालन बैंड का इंग्लिश होता है कंडक्शन बैंड, कभी कभी इंग्लिश पूछ लेता है कंडक्शन बैंड, CONDUCT कंडक्शन बैंड। तो वह बैंड जिनकी ऊर्जा अधिक होती है चालन बैंड कहलाता है, और इसको सीबी द्वारा सूचित करते हैं, किस सूचित करते हैं, सीबी देखिए कंडक्शन में। और वह बैंड जिनकी ऊर्जा कम होती है वह संयोजी बैंड कहलाता है, इसे वीसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, वीसी द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो वीसी द्वारा हम लोग किसे कहते हैं, तो वीसी द्वारा संयोजी बैंड को, और सीबी द्वारा क्या करते हैं, चालन बैंड को, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो कहता है कि हम उसी बॉन्ड में रहेंगे जिनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन भारा रहेगा उसको अनुजी बैंड में रहेगा, चालन बैंड में नहीं रहेगा। तो पहले समझ जाइएगा कि चालन बैंड जो होता है वो रिक्त होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और संयोजी बैंड जो होता है इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, ठीक है। काहे संयोजी बैंड में ही इलेक्ट्रॉन भरा होता है, चालन बैंड में क्यों नहीं, तो यही बोलिएगा कि जिन बैंड की ऊर्जा कम होती है हमारा इलेक्ट्रॉन उसी में रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में किसकी ऊर्जा कम है, संयोजी बैंड का, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, इसका खाली, ठीक है। एक और बात अगर मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा बाबू, कि जो दोनों बैंड बैंड को रखा गया है तो दोनों बैंड के बीच में गैपिंग है, गैपिंग है ना बाबू, तो जब गैपिंग है तो गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतर। यानी चालन बैंड, यहाँ परिभाषा समझ लीजिएगा, यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं बाबू, यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के ऊर्जा के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे ईजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ईजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, तो चालन बैंड संयोजी बैंड, याद रखिएगा कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या संयोजी बैंड में ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम उसी घर में रहते हैं, उसी बैंड में रहेंगे जिनकी ऊर्जा कम होगा, क्लियर है। चलिए, उसके बाद बताया गया है कि जब चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड हमेशा ऊपर रहता है, संयोजी बैंड का रहेगा नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों बैंड को जब रखेंगे, तो रखने के बाद जैसे हमारे हाथ है, दोनों हाथों के बीच में हमारा अंतराल है ना, तीन अंतरालों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यही बोलिएगा, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के ऊर्जाओं के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे हम लोग ईजी द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ईजी के द्वारा, कन्फर्म, क्लियर है। चलिए, अब देखिएगा, इन्हीं के आधार पर परिभाषित किया गया चालक, कुचालक और क्या परचालक। तो आप ही बताइए कि जब चालन बैंड, एक और बात कि अब बात रहा कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने का मुख्य कारण ही होता है, आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको लिखवाएंगे नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन, आप लोग जब पढ़िएगा तो इसको परिभाषा को लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन
सनुजी बैंड से, यदि इलेक्ट्रॉन सनुजी बैंड से शैलन बैंड में स्थानांतरित होता है, यदि इलेक्ट्रॉन शैलन बैंड से सनुजी बैंड में स्थानांतरित होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यदि इलेक्ट्रॉन फिर से सनुजी बैंड से शैलन बैंड में स्थानांतरित होता है तो धारा का प्रवाह होता है। अगर मान लेते कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा स्थानांतरित हो रहा है किस में, एरो चिन्ह दिए हैं किस में, अगर यही इलेक्ट्रॉन शैलन सनुजी बैंड से शैलन बैंड में स्थानांतरित होने लगेगा तो हम बोलेंगे कि धारा का प्रवाह हुआ है, उस बैंड में धारा का प्रवाह हुआ है। अगर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तो हम बोलेंगे धारा का प्रवाह नहीं हुआ। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। याद रखिएगा बैंड सिद्धांत बनता कैसे है, तो परमाणिक कक्षक प्लस आणविक कक्षक बराबर बैंड बनता है। बैंड दो प्रकार के होता है, एक चालन बैंड एक सनुजी बैंड। चालन बैंड वह बैंड जिनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है चालन बैंड कहलाता है, सनुजी बैंड वह बैंड जिनकी ऊर्जा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सनुजी बैंड बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा सनुजी बैंड में रहता है चालन बैंड में नहीं, क्यों, क्योंकि सनुजी बैंड की ऊर्जा कम होती है। क्लियर है। अच्छा याद रखिएगा वर्जित ऊर्जा अंतर किसे कहते हैं, चालन बैंड एवं सनुजी बैंड के ऊर्जाओं के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अब आ रहा कि बैंड में धारा का प्रवाह कैसे होता है, तुम्हें बोलिएगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन सनुजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश कर जाता है या स्थानांतरण कर जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसी के आधार पर हम इसको समझेंगे कि चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं। क्लियर, देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, हेडिंग यहां डाल दे रहे हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर, आधार पर चालक कुचालक कुचालक एवं अर्धचालक अर्धचालक का वर्गीकरण। अब इसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो देखिएगा पहला हम लिखेंगे चालक, पहला हम इसमें क्या लिखेंगे आप, चालक। ठीक है, चालक इसमें पहला हेडिंग का डालेंगे, डालेंगे नंबर चालक। ठीक है, चालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा वे पदार्थ या वे ठोस जिनमें जिनमें शैलन बैंड एवं सनुजी बैंड, वे ठोस जिनमें शैलन बैंड एवं सनुजी बैंड एक दूसरे से अति व्यापित होता है, अर्थात जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होती है चालक कहलाता है। चालक कहलाता है।